हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 30 बाई 50 फिट का ईस्ट फेस होम प्लान लेकर आया हूँ। और यह जो प्लान है, यह एज पर वास्तु बनाया गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और इस प्लान के लिए मुझे यूट्यूब पर कमेंट्स मिला है। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि प्लान बनाने में, अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन फाइनली प्लान सबका बन ही जाता है। यदि 1-2 फिट का इधर से उधर कोई अंतर है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कहाँ से कैसे एडजस्ट करना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह है 30 फिट और यह है 50 फिट, और इसको इस पर वास्तु बनाया गया है, और यह है पूर्व मुखी प्लाट। तो चलिए अब हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश पांडे, आप देख रहे हैं ड्रीम होम। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नई नई वीडियोस अपलोड करता रहूं और आपको इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। देखिए, यहाँ पे मेन गेट लग जाएगा और यहाँ से हम एंट्रेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए, राइट साइड में स्टेयर केस को दिया गया है, और यह जो स्टेयर केस है इसको इस पर वास्तु बनाया गया है। और यह देखिए, पूजा के लिए जगह दिया गया है 6 बाई 4 फिट का, और नॉर्थ ईस्ट में जो है पूजा के लिए उत्तम स्थान माना गया है। और यह देखिए पोर्च है, पोर्च भी जो नॉर्थ ईस्ट में है, यह भी एकदम उत्तम माना गया है वास्तु के दृष्टिकोण से। आप यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप टॉयलेट, किचन और सेप्टिक टैंक को अवॉइड करें। यहाँ पे देखिए, गेस्ट रूम दिया गया है जो साउथ ईस्ट के किनारे में, और वास्तु के दृष्टिकोण से साउथ ईस्ट में जो गेस्ट रूम होता है वह बहुत उत्तम होता है। और उसमें देखिए फर्नीचर का भी लेआउट किया गया है, आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, साउथ ईस्ट में ही किचन दिया गया है जो कि वास्तु के हिसाब से एकदम उत्तम स्थान पर है। और ये देखिए किचन का प्लेटफॉर्म है, और उसमें यह जो गैस चूल्हे का लेआउट किया गया है यह भी एकदम वास्तु के अनुसार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे 3 फिट 6 इंच जो है चौड़ा वरांडा दिया गया है, और यहाँ से हम पूजा रूम में एंट्रेंस करेंगे, और यहाँ पे अपना मुख्य द्वार आएगा, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल का साइज है 14 फिट 6 इंच बाई 12 फिट का, और इसमें देखिए डाइनिंग टेबल का लेआउट किया गया है, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए किचन के लिए एंट्रेंस दिया गया है डाइनिंग हॉल से ही, और इतना पोर्शन देखिए ओपन टू स्काई रहेगा, जिससे डाइनिंग हॉल में लाइट आएगा और इस बेडरूम के लिए भी लाइट आता रहेगा। बच्चों के लिए रूम दिया गया है 9 बाई 12 फिट का, और जो नॉर्थ में जो है किड्स रूम अच्छा माना गया है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यह मास्टर बेडरूम है। साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम दिया गया है जो भी वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा माना गया है, और इसका साइज है 12 बाई 13 फिट का, और इसमें देखिए बेड का लेआउट किया गया है, आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार अरेंज कर सकते हैं। और इतना पोर्शन ओटीएस रहेगा, तो इसमें वेंटिलेशन आएगा और स्टोर रूम वेंटिलेशन आएगा, इस कॉमन टॉयलेट के लिए वेंटिलेशन आएगा, और इस बेडरूम में, और इस बेडरूम में वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कॉमन टॉयलेट है 5 फिट 3 इंच बाई 9 फिट का, और इसमें जो WC सीट का अरेंजमेंट किया गया है यह भी एज पर वास्तु किया गया है। यहाँ पे देखिए एक और बेडरूम दिया गया है जिसका साइज है 10 फिट 6 इंच बाई 13 फिट का, और इसमें भी बेड का लेआउट किया गया है। और यहाँ पे देखिए एक स्टोर रूम दिया गया है। तो दोस्तों, यह रहा आज का एक छोटा सा प्लान, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया।